तूफान के आने की आहट सुनी है हमने, चारों तरफ पानी ही पानी है। कुछ बुरा होने वाला है, किसी लड़की से खतरा है दोनों को। काश मैं ये तुम्हें बता पाती अरमा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती। I love you. I love you too. आसमा, ये तेरी लाइफ की आखिरी खुशी है। उड़ानिया सीरियल के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, जिस तरीके से उड़ानिया सीरियल में हम देख रहे हैं कि जो आलिया है वो बेकाबू हो जाती है और आलिया सोचती है कि बस अब अगर ये नहीं मर रही आसमा तो मैं ही घर में जाती हूँ, लेकिन तभी जो है आतंकवादी लड़की उसके गाल पर तमाचा मारती है, उसे रोकती है, कंट्रोल करती है और कहती है खबरदार, जो तूने अपनी बेवकूफी की वजह से मेरा प्लान फ्लॉप किया तो सब खत्म कर दूंगी, मैं सब तोड़ दूंगी। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तू? छोड़ो मुझे, छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ूंगी, मैं सब खत्म कर दूंगी। क्या बेहूदगी है ये, क्या कर रही हो तुम ये? छोड़ो मुझे, मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करोगी तुम, समझी? मैंने तुमसे तुम्हारी सलाह नहीं मांगी, दूर हटो। ये मेरी सलाह नहीं, ताकीद। तुम आसमा के दुश्मन हो ना, तुम उसका काम कल तक खत्म कर दोगी ना? बोलो तुम, कर दोगी ना? कल शाम 5 बजे तक अपने गुस्से पे काबू रखो, अगर नहीं रख सकती तो हट जाओ मेरे प्लान से। मैं आसमा और अपने मकसद के बीच किसी को नहीं आने दे सकती, किसी को भी नहीं। मुझे आसमा को मारना है एनी हाउ, यानी कि यहाँ पर जो आतंकवादी लड़की है उससे भी कहीं ना कहीं आलिया दब रही है, क्योंकि आलिया भी चाहती है कि अगर मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो ये लड़की तो पक्का आसमा को मार ही देगी। तो यहाँ पर आलिया कहती है तुम पक्का मार दोगी ना? वो कहती है हाँ, लेकिन तू अपना मुंह बंद रख और थोड़ा कंट्रोल रख। हम देखते हैं क्यों आलिया इस तरीके से बेकाबू हुई है, क्योंकि अरमान और आसमा जिस बस में होते हैं उस बस में बॉम्ब लगाया जाता है, जिसके बावजूद ये दोनों बच जाते हैं। अरमान और आसमा दूसरी शादी करने जा रही हैं एक बार फिर से, और यहाँ पर ये दोनों बहुत एक्साइटेड भी हैं। आसमा ये भी कहती है कि भाई कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए हमारे प्यार को। इन दोनों के बीच में प्यार भरा मोमेंट भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ आलिया अब किस तरीके से घर में एंट्री लेगी, कौन सा बहाना बनाएगी, ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्या आलिया और वो आतंकवादी वाली लड़की कामयाब हो पाएंगे आसमा को मारने में? कमेंट सेक्शन में गाइज आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।